नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र सिन्हा सिनेटिकल्स में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं 5-in-1 जो कॉम्बो सेट होता है, हमारे जो पावर प्लग के लिए यूज करते हैं उसका कनेक्शन के बारे में। ठीक है, तो उसका कनेक्शन बड़ा आसान होता है। अच्छा, कनेक्शन दो तरीके से लोग करते हैं। ठीक है, एक कनेक्शन आप देखेंगे जो इंडिकेटर होता है वो रेगुलर जलता हुआ रहता है। ठीक है, जो रेगुलर इंडिकेट करते रहता है, एक होता है जब हम स्विच ऑन करते हैं तब इंडिकेट करता है। तो इसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, तो हम जैसे इसको खोलेंगे तो यहाँ पे देखा जाएगा, तो ये जो इंडिकेटर होता है, ठीक है, इंडिकेटर के लिए दो वायर ऑलरेडी कनेक्शन किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने खोला था तो ऑलरेडी ये कनेक्शन था। तो आपको ये डिसाइड करना है कि ठीक है, आपका जो ये कनेक्शन इंडिकेटर रेगुलर चलेगा कि स्विच ऑन करने पर चलेगा। ठीक है, एक होता है जो ऑफ भी है तो चलेगा, और एक होता है सिर्फ ऑन करने पर ही चलेगा। तो आपको किस टाइप से कनेक्शन चाहिए, उसका कनेक्शन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, हमको भी करेंगे आज। ठीक है, उसका कनेक्शन क्या करना है, इसका जो फ्यूज है, फेज का वायर जो आएगा फ्यूज में डालना, दोनों में से कोई भी एक टर्मिनल में हमको क्या करना है, फेज का वायर लाना। तो फेज का वायर हम यहाँ से इन कराए, ठीक है, ये हो गया हमारा फेज का वायर। अब हमको फेज का वायर आउट कराना है। फेज का वायर आउट कहाँ कराएंगे, कराएंगे स्विच में। ठीक है, ये स्विच का जो हमारा निचला टर्मिनल है उसमें इन कराएंगे, ये हमने यहाँ इन करा दिया। अब आपको क्या करना है, स्विच का वो जो ऊपर वाला टर्मिनल वहाँ से आउट कराना, कहाँ पे, सॉकेट में, क्योंकि यूज़ तो करना सॉकेट। ठीक है, तो हमारा क्या करेंगे, ऊपर वाला टर्मिनल सॉकेट आउट करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे एल, ठीक है, ये एल टर्मिनल जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे, एल हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इन करा देंगे। तो ये हो गया हमारा फेज का कनेक्शन। ठीक है, इसके साथ आया होगा हमारा न्यूट्रल, इसके साथ हमारा न्यूट्रल तो आया ही है। अब न्यूट्रल का वायर कहाँ देना, न्यूट्रल का जरूरत हमको एक यहाँ पे एक इंडिकेटर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इंडिकेटर का जगह सीधा यहाँ पे ले आएंगे, तो हमारा जो न्यूट्रल का वायर होगा वो यहाँ पे ले आए, ये हमारे यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आएगा आपका बॉडी अर्थिन, बॉडी अर्थिन का जो वायर है आपका यहाँ पे, जो हमारा पावर प्लग के जो हमारा सॉकेट होता है उसका इस टर्मिनल, जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है उसमें बॉडी अर्थिन का वायर हम डालते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ तक कनेक्शन। अब डिसाइड करना है आपको इंडिकेटर का। ठीक है, इंडिकेटर आपको कैसे चलाना है, अगर आपको डायरेक्ट चलाना है तो क्या करना है, स्विच का निचला टर्मिनल हम आपको दे देना है। अगर ये इंडिकेटर को हमको डायरेक्ट चलाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको निचला टर्मिनल दे देंगे। देखिए क्या करना है, इसका एक टर्मिनल, ये दो वायर है, एक को हमको न्यूट्रल में दे देना है कन्फर्म है। तो इसका जो दो वायर निकला हुआ है, तो एक वायर को हम क्या करेंगे, न्यूट्रल में दे देंगे, एक न्यूट्रल में हम दे दिए। ठीक है, अब दूसरा वायर जो है इसका, जो देखिए न्यूट्रल और फेज का जरूरत पड़ता है, फेज वाला जो वायर आएगा इसका जो दूसरा वायर है, ये आपको डिसाइड करना है कहाँ पे देना है। ठीक है, अगर ये फेज वाला जो वायर है इसको आप यहाँ पे दीजिएगा, ठीक है, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल जो आउट किया आपका सॉकेट में, उस कंडीशन में क्या होता है, जब आप स्विच ऑन कीजिएगा तो अभी आपका पावर सप्लाई करेगा सॉकेट में और साथ में इंडिकेटर में भी, तो क्या होगा, आपका सॉकेट भी यूज में आएगा, इंडिकेटर भी जलने लगेगा। ठीक है, अगर नीचे वाला टर्मिनल में दीजिएगा तो क्या होगा, ये आपका रेगुलर जलते रहेगा, क्योंकि हमारा जो फेज का वायर है वो रेगुलर इसमें कनेक्ट है। ठीक है, तो इससे ये आया हमारा, ये हम यहाँ पे इन करा दिए, ये जैसे इसमें इन कराएंगे तो क्या होगा, ये रेगुलर जलने लगेगा। ठीक है, आप ऑन रहे ऑफ रहे कोई मैटर नहीं करते, ये रेगुलर जलेगा, पर यही वायर अगर हम यहाँ पे इन कराएंगे तो इससे क्या होगा, ये जब स्विच ऑन कीजिएगा, जब आपका ये सॉकेट यूज में आएगा तभी आपका इंडिकेटर भी जलेगा। तो इस टाइप से हम कनेक्शन करते हैं। तुम क्या करेंगे, इसका हम कनेक्शन करके देखते हैं कैसा होगा। तो मैंने फ्यूज बांध लिया है, ठीक है, अब भी अपना फ्यूज बांध लीजिएगा। अब हम क्या करना है, फेज का वायर लाना है, तो हम क्या करेंगे, फेज का वायर लाएंगे। तो फेज का वायर लाने के लिए इस टाइप से जो बॉक्स होता है, ठीक है, ये बॉक्स का नीचे में आप दो तरफ से दिया हुआ है, कहीं से भी आप इन करा लीजिए। और हमारा फेज का जो वायर है, ठीक है, ये फेज के लिए रेड वायर लिया हुआ है, तो ये कहाँ हमारा इन करा, फ्यूज में, तो फ्यूज का दोनों में से कोई एक टर्मिनल में हम इन करा सकते हैं, तो हम यहाँ इन करा देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फेज इन, फ्यूज में इन किया। ठीक है, अब फ्यूज से आउट करेगा कहाँ पे, हमारा स्विच का नीचे वाला टर्मिनल में। ठीक है, तो हमारा स्विच का नीचे वाला टर्मिनल यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, एक आउट कराएंगे। इसमें मैंने जो भी वायर यूज कर रहा हूँ सब 2.5 mm का वायर है, डिपेंड करता है आपको क्या यूज करना है। ठीक है, अगर कुछ हल्का यूज करना है तो आप 1.5 mm का वायर भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्या, देखिए फेज यहाँ से आया और फ्यूज से होते हुए आउट किया स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से किया, ऊपर वाला टर्मिनल से हमारा आउट करेगा कहाँ पे, सॉकेट में, सॉकेट का एल लिखा हुआ हमारा इस टर्मिनल में, तो हमारा स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल है यहाँ से आउट करेगा एक यहाँ पे वायर, इसके लिए भी एक लूप ले लिए।
ये हो गया हमारा फेज डायग्राम कंप्लीट। अब हमको न्यूट्रल का देना है, तो न्यूट्रल हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, न्यूट्रल के लिए हम न्यूट्रल का जो वायर लाया यहाँ सीधा यहाँ पे लाया, तो न्यूट्रल यहाँ दे देंगे। अब आपको इंडिकेटर वाला भी वायर जो है ये साथ में आपको यहाँ पे अटैच कर देंगे, तो हम क्या करेंगे दोनों को साथ में लेके कर लेंगे। एक क्या हो गया हमारा न्यूट्रल के साथ जो एक इसके लिए दिया हुआ था इंडिकेटर के लिए, दोनों को साथ में अटैच कर दिया, तो न्यूट्रल क्या होगा साथ में पहुंच जाएगा, एक ये सॉकेट में भी आ जाएगा साथ में इंडिकेटर में भी आ जाएगा। अब बच्चा आपका ये हुआ है, अब आपको डिसाइड करना है कि डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट जलेगा या स्विच ऑन करने पर। अगर हम स्विच ऑन करने पर डालेंगे तो ऊपर टर्मिनल में, अगर नीचे हमें डेरिवेल जलाना है तो नीचे टर्मिनल में दे देंगे हम। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फिलहाल ऊपर वाला टर्मिनल दे देते हैं। ठीक है, अगर ऊपर वाला टर्मिनल देंगे तो स्विच ऑन करने पर ही हमारा जलेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद आया बॉडी अर्थिंग बच्चा, तो बॉडी अर्थिंग को कनेक्शन कहाँ देना है, बस यहाँ पे देना है। तुम क्या करेंगे यहाँ पे दे देंगे। अब क्या करते हैं इसको चेक करके भी हम लोग देख लेंगे कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो क्या करता हूँ मैं, बगल वाले मेरा एक बोर्ड है, ठीक है उसमें कनेक्शन दे के देख लेता हूँ। तो हमने इसे कनेक्शन दे दिया, हम क्या ऑन करेंगे तो ये देखिए इंडिकेटर हमारा चल रहा है, ऑफ करने पे बंद हो जाएगा। सेम अगर हमको एक होल्डर लेके अगर चेक करते हैं, ठीक है कुछ भी आप यूज करना ही आपको, तो मैं होल्डर चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये से ये जला तो ये आपका इंडिकेटर भी जलने लगा। सेम आपको अगर इंडिकेटर को रेगुलर जलाना है तो कुछ नहीं करना, ठीक है ये जो वायर है, ठीक है ये जो हमारे इंडिकेटर से दूसरा वायर जो निकला जो हम स्विच में दिया है, ठीक है ये जो वायर जो स्विच में दिया हुआ उसको क्या करना, ऊपर टर्मिनल से ला के नीचे टर्मिनल में दे देना, बस इतना करना। जैसे मैं भी यहाँ पे आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैंने ये वायर निकाल दिया, और इसमें इन करा दिया, अब क्या होगा देखिए इंडिकेटर आपका जो है रेगुलर चल रहा, ठीक है ये ऑन ऑफ से कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपना कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।